Hai tu, ma per me. ऐसी कमाल की एक्शन कितने अरसों के बाद देखी लॉकडाउन टाइम और मैंने जेन्यूनली देखा कि जॉन ने ऐसे एक्शन की। हमने निशी से पूछा मतलब वो थाईलैंड जाके एक महीना पूरा कॉन्सेंट्रेट इतनी मेहनत की जो हम तब से पता चला डायरेक्टर से अभी निशिकांत से पता चला निशिकांत कामत से ऐसा कैसा ऐसा कमाल के एक्शन और कैसे के डेडिकेशन किस तरीके से की मतलब एक महीने की प्रैक्टिस है। आज क्या है कि कोई भी काम में टाइम दो वक्त दो तो ये रिजल्ट मिलता है नज़र के सामने एंड विथ मिनिमम डायलॉग्स एंड और पिक्चर के जो इमोशन है पिक्चर के इमोशन हम लोग को बहुत अच्छे लगे जो छोटी बच्ची के साथ है तो जॉन ने बहुत अच्छा कैरी किया है और डायरेक्टर ने निशिकांत ने बहुत अच्छी ट्रीटमेंट दी है उसके अंदर तो हम लोग तो रियली लास्ट में बहुत इमोशनल हो गए बहुत अच्छा इमोशन फीलिंग एंड सबके डेडिकेशन है सब ने डेडिकेशन से काम किया है सब एक्टर्स बिल्कुल फ्रेश लगे नए लगे जो कास्टिंग की होगी निशिकांत ने फिल्म के जो डायरेक्टर हैं उन्होंने एक्टिंग भी की है तो आप दोनों को कभी बताने हम लोग अरे नहीं हम लोग निशिकांत को हम लोग पहले से जानते हैं इज ए वेरी गुड एक्टर एज वेल एज डायरेक्टर से खुद एक्टिंग जानते हैं ना उतना अच्छा काम निकलते हैं एक्टरों से फिल्म में एक एक छोटे छोटे से एक्टर से लेकर सब एक्टरों ने बहुत अच्छा उम्दा काम किया है बहुत अच्छे से। आप कुछ कहना चाहेंगे निशिकांत जी जी निशिकांत जी के लिए हम लोग अभी बोलते कि उनको अभी पैसे तो देंगे नहीं साइनिंग अमाउंट हम लोग करने वाले उसको हमने कह दिया उनसे कि हम पिक्चर एक करेंगे उनके साथ मगर इतना अच्छा एक्टर है हम लोग भी सोच सकते हैं उसके लिए। यस जी फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशन आपकी एक्टिंग की काफ़ी तारीफ की जा रही है सो और फिल्म को किस तरह तारीफ होगा अभी जो इनिशियल रिस्पॉन्स है वो बहुत अच्छा है आई एम प्रीटी हैप्पी दैट पीपल आर लाइकिंग इट मेहनत तो बहुत गई है लेकिन इवेंचुअली वही होता है कि अगर ऑडियंस को पसंद आए तो हम सब खुश होते हैं और ऑडियंस की रिएक्शन बहुत स्ट्रांग है अभी तो वी आर टॉकिंग अबाउट थर्सडे नाइट होपफुली फ्राइडे से इसका वर्ड ऑफ माउथ बेटर रहेगा एंड या आई एम फीलिंग गुड एज एज अ डायरेक्टर एंड या एक्टिंग इज एन एक्सीडेंट बट या एज एन एक्टर ऑल्सो इतनी दूर का सोचा नहीं है एक्चुअली अभी फिलहाल तो एक्टिंग कर ली एक पिक्चर में अगर कुछ अच्छा रहा अच्छा किरदार मिला या अच्छा अच्छा अच्छी कहानी मिली तो मे बी इन फ्यूचर नेवर नो एंड जॉन ने आपकी एक्टिंग की काफ़ी तारीफ की है एंड व्हेन वी टॉक अबाउट यू टू फोर्स में हमने देखा इट वाज अ गुड गुड फिल्म एंड वी आर होपिंग रॉकी हैंडसम भी रहे ऐसे इन फ्यूचर कैन वी सी यू टू वर्किंग टुगेदर एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली बिकॉज सी आई थिंक वी मेक अ गुड टीम मी एंड जॉन एंड वो अभी एक्टर डायरेक्टर वाला रिलेशन रहा नहीं है वी आर मोर ऑफ फ्रेंड्स एंड वी अंडरस्टैंड ईच अदर वेरी वेल सो इट्स ऑलवेज ईजियर टू वर्क विद फ्रेंड्स रादर देन जस्ट मी आर प्रोफेशनल्स सो या आई एन्जॉय वर्किंग विद हिम एंड आई थिंक ही एन्जॉय वर्किंग विद मी सो प्रॉबेबली अगर अच्छी स्क्रिप्ट आई तो हम लोग डेफिनेटली कुछ शुरू करेंगे थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच थैंक यू
बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं. आई एम अ ह्यूज जॉन अब्राहम फैन, सो आई कैन वेट टू सी हिम, यू नो, बैक इन हिज एक्शन अवतार. सो आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट एंड आई लव 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 द ट्रेलर. सो आई एम श्योर द फिल्म इज़ गोइंग टू बी इवन मोर एक्शन पैक्ड. नॉर्मली गर्ल्स गो फॉर रोमांटिक फिल्म्स एंड दे अवॉइड लुकिंग गोइंग फॉर एक्शन फिल्म्स, बट कुछ आपका टेस्ट? नो, आई लाइक रोमांटिक फिल्म्स आल्सो, बट आई लाइक गैंगस्टर फिल्म्स, आई लाइक एक्शन फिल्म्स. यू सीन द काइंड ऑफ फिल्म्स आई आल्सो डू, दे आर फुल गैंगस्टर मोड. And John's one of the biggest action heroes that we have, so, you know, it's great to see him come back in his element. Okay, in this film, we see John in a handsome avatar, but baat kare Bollywood ke handsome ki, to kaun hai? John, of course. Of course, okay. And this film ke jo director hai Nishikant, wo film ko direct bhi kare, saath mein acting bhi kare. So. I know, and his look is also very cool in the films, and Nishikant Kamath is, of course, a fabulous director, but one has been hearing all the reviews about how good an actor he is also. So, you know, I just had to say this to him, ki sir, actors ki people aatma apnaiye. Okay. And if given a chance to work with John, what kind of film you would want to work with? Oh, I'd love to do a nice action comedy or even an out-and-out action film. Maybe I can also do some really cool moves. I'd love to work with him, of course. And what is keeping you busy these days? What is keeping me busy? Just finished Oculus remake with my brother, that and Gurinder Chaddha's film. Thank you.